की एकमात्र सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने 69 साल बाद संस्थापक टाटा समूह में आधिकारिक रूप से वापसी की। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद चंद्रशेखरन एयर इंडिया के हेडक्वार्टर गए, जहां हैंडओवर की औपचारिकता प्रक्रिया पूरी हुई। सरकार ने बीडिंग प्रक्रिया के बाद 8 अक्टूबर को 18,000 करोड़ रुपए में एयर इंडिया को टैलिस प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया था। ये टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी की सब्सिडियरी इकाई है। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 56 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। नई सूची में 10 मुस्लिम और इतने ही यादवों को टिकट दिया गया है। हाल ही में बीजेपी छोड़ सपा का दामन थामने वाले दारा सिंह चौहान को भी सपा ने इस बार घोसी से उम्मीदवार घोषित किया है। वही लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, दारा सिंह चौहान, रमाकांत यादव आदि को उनकी परंपरागत सीटों से उतारा गया है। एक दिन पहले ही सपा ने 39 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। गुरुवार को राहुल गांधी के पंजाब दौरे में कांग्रेस बटी हुई नजर आई। कांग्रेस के 5 सांसदों ने राहुल के दौरे का बॉयकॉट किया। इनमें मनीष तिवारी, रवनीत बिट्टू, जसबीर डिम्पा, मोहम्मद सिद्दीकी और परनीक कौर शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस की ओर से सांसदों के बॉयकॉट की खबरों को खारिज किया गया है। पार्टी की सांसद जसबीर सिंह गिल ने ट्वीट कर कहा कि इस इवेंट में सिर्फ 117 कांग्रेस प्रत्याशियों को ही बुलाया गया था, सांसदों को आमंत्रण ही नहीं था। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश के लापता किशोर मिराम तारोन के भारत लौटने की गुड न्यूज दी। 19 साल के मिराम तारोन को चीनी सेना ने भारत को लौटा दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मिराम तारोन को LAC के नजदीक किबूथी के पास वाचा में सौंपा गया। देश में कोरोना टीकाकरण को लेकर गुरुवार को बड़ा अपडेट सामने आया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि देश में अब तक 95% लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक और 74% लोगों को कोरोना टीके की दूसरी खुराक लग चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि देश की 97 लाख से ज्यादा की आबादी को प्रिकॉशन डोज लग चुकी है। गुरुवार की रोज प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने ये जानकारी दी। यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ऐन पहले देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हाल के वर्षों में देश में नागरिक राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से बदलने की कोशिश हो रही है। पूर्व उपराष्ट्रपति ने ये भी कहा कि धार्मिक बहुमत को राजनीतिक एकाधिकार के रूप में पेश करके मजहब के आधार पर असहिष्णुता को हवा दी जा रही है। हामिद अंसारी ने गणतंत्र दिवस के मौके पर वॉशिंगटन में आयोजित वर्चुअल इवेंट को संबोधित करते हुए ये बातें कही। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में कमी को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू खत्म कर दिया गया है। गुरुवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA की बैठक में ये फैसला लिया गया। हालांकि राज्य में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दिल्ली में ऑड इवन तरीके से दुकान खुलने का फैसला भी खत्म कर दिया गया है। दिल्ली में अब रेस्टोरेंट और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। दिल्ली के सरकारी दफ्तर भी 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। हालांकि शिक्षण संस्थान और स्कूल अभी बंद रहेंगे। दिल्ली के कस्तूरबा नगर में 20 साल की युवती का गैंगरेप करने के बाद उसे सड़क पर बेइज्जत किया गया। भीड़ ने उसे गंजा कर दिया और उसे चप्पलों की माला पहनाकर गलियों में घुमाया। इस दौरान उसके साथ जमकर बदसुलूकी की गई, उसके चेहरे पर काली पोती गई और उसके खिलाफ अपशब्द कहे गए। पुलिस ने महिला की शिकायत पर गैंगरेप की FIR दर्ज की है। महिला के साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ के आरोप में 4 महिलाओं को ही गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भारत के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज के लिए वेस्टइंडीज ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। 2 साल बाद तेज गेंदबाज केमार रोज की टीम में वापसी हुई है, जबकि ब्रैंडन किंग और एनक्रूमा बोनर को भी टीम में जगह दी गई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मौनी रॉय सूरज नाम्बियार के साथ शादी के बंधन में बन चुकी हैं। दोनों ने साउथ गोवा में मलयाली रीति रिवाजों के साथ शादी की। मौनी की शादी की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। मौनी अपनी शादी में बंगाली स्टाइल में पट्टू साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वहीं सूरज ने क्रीम कलर का कुर्ता और सफेद रंग का पायजामा पहना।